क्लास 12 का वीवीआई गेसिंग क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें 10 नंबर तक शॉर्ट चला था। आज 11वां नंबर जो क्वेश्चन था वो छूटा हुआ था। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका शॉर्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन है रदरफोर्ड मॉडल की खामियां बताएं। क्वेश्चन का नाम है रदरफोर्ड मॉडल की खामियां बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रदरफोर्ड मॉडल की दो खामियां होता है। खामियां कहने का मतलब होता है कमियां, त्रुटि। क्या उनके नियम में त्रुटि पा गया? तो देखिए, पहला त्रुटि है, कमी है परमाणु का स्थायित्व। इसका अर्थ क्या होता है स्थायित्व? तो देखिए, इसमें परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता है। इसमें जो परमाणु होता है ना, वो अस्थायी रूप से नहीं रह सकता है। पहला हो गया इनका कमी। और दूसरा जो था रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या। कहने का मतलब हुआ कि इसमें रैखिक स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है ना, नहीं किया जा सकता है। रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो है नहीं किया जा सकता है। अब इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? तो इसमें सुधार जो है बोर नामक वैज्ञानिक ने किए थे, जो आपको नोट में लिखा दिए हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को ने रदरफोर्ड मॉडल में लगाकर, दोनों को जोड़कर एक नया मॉडल दिए हैं, जिसको हम बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए।